हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मैं आज आपको लाया हूँ दिवाली स्पेशल गिफ्ट दैट इज़ मोक टेस्ट फॉर एच पी फॉरेस्ट गार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एज यू नो कि अभी आपका सेवन नवम्बर को एच पी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है सो so, इसी के लिए मैं मोक टेस्ट आपके लिए क्रिएट किया हुआ है और मैं सिक्स नवम्बर से पहले पहले आपको तीन मोक टेस्ट सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा सो so, आपने क्या करना है कि चैनल को कंटिन्यूसली विजिट करना है आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मोक टेस्ट में आपको हंड्रेड क्वेश्चन दिए है और ये हंड्रेड क्वेश्चन एज इट एज पैटर्न में है जो आपको सात तारीख को फेस करने हैं इट मीन्स कि इस मोक टेस्ट में आपको फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे केमिस्ट्री से बायोलॉजी से बायोलॉजी में बॉटनी जुलॉजी दोनों से और मैथमेटिक्स से हिंदी रीजनिंग और इंग्लिश और जी मतलब जितना जो पैटर्न आपका सात तारीख को रहने वाला है एचपी पी गार्ड का उस ही पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने आपको मोक टेस्ट प्रिपेयर किया हुआ है सो आपने क्या करना है कि ये वीडियो कंप्लीट देखनी है और हर एक क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड अप सॉल्व करने की कोशिश करना है जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करना है इसमें अगर हंड्रेड क्वेश्चन है तो आपने कोशिश करना है कि हंड्रेड क्वेश्चन जो है वो सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव मिनट में आप सॉल्व कर सके सो विदाउट टाइम वेस्टिंग आज स्टार्ट करते हैं दिवाली स्पेशल गिफ्ट दैट इज मोक टेस्ट सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड हिंदी वाले देखिएगा ध्वनि के आयाम को मापने की इकाई क्या है डेसिमल कॉलम हम साइकिल इन फोर ऑप्शन में से आपको एक ही ऑप्शन क्लिक करना होता है सो दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन इज द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन दैट इज द डेसिमल सो नेक्स्ट है आपका डेसिबल इज़ द यूनिट फोर डेसिबल किसके लिए इकाई है वेव्स स्पीड ऑफ लाइट इंटेंसिटी या फिर आपका इंटेंसिटी ऑफ इट So, इसका जो आंसर है वो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड थर्ड है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल लाइटेस्ट मेटल कौन सा है मर्करी है लिथियम है लेड है सिल्वर है तो इसमें से आपको पता होना चाहिए लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल सो नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिमेन इन लिक्विड फॉर अंडर नॉर्मल कंडीशंस निम्नलिखित में से कौन सी धातु है मेटल को धातु बोलते हैं सामान्य परिस्थितियों में भी तरल अवस्था में रहती है जब नॉर्मल कंडीशन हो वहाँ भी वो लिक्विड फॉर्म में रहती है कौन सी है ऐसी क्या वो जिंक है क्या रेडियम है क्या यूरेनियम है क्या मर्करी है सो so, इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है मरकरी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे इन फाइव द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड विकॉज ऑफ है ना आतिशबाजी में हरी ज्वाला उत्पन्न होती है अभी आतिशबाजी आपने दिवाली में जलानी है आज ही जलानी है आतिशबाजी भी सो so, इसमें हरी ज्वाला उत्पन्न होती है किसके कारण होती है कि आपने कभी सोचा है ये इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी करेक्ट है दैट इज बेरियम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाई एडिंग जो पानी की स्थायी कठोरता को होता है ना स्टाई कठोरता को जोड़कर दूर किया जाता है किसके थ्रू मतलब जो वाटर की हार्डनेस है वो किस केमिकल के थ्रू दूर किया जाता है स्टूडेंट्स आपने सुना होगा वॉशिंग सोडा तो इसका करेक्ट आंसर है वॉशिंग सोडा यहाँ पे जो कन्फ्यूजन होता है वो होता है वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर के बीच बट जो इसका करेक्ट आंसर है वो है वॉशिंग सोडा मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट नहीं बता पाऊंगा अगर मैं आपको कंसेप्ट बताने लग गया हर एक क्वेश्चन का तो ये वीडियो कम से कम दो से तीन घंटे की जाएगी इसलिए मैं आपको अब सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा हाँ कुछ एक मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वहाँ पे कंसेप्ट भी आपको बता दूंगा और अगर आपने थोड़ा कंसेप्ट देखना होगा तो मैं ऑलरेडी जो है वो फॉरेस्ट गार्ड पे तीन से चार वीडियो बना चुका हूँ आप मेरे चैनल को विजिट करना विनोद लर्निंग हब को और प्ले में जाके आप फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड जो है वो वीडियो सर्च कर सकते हैं और मैं थोड़ी ये वीडियो जो है वो आ, स्पीड से ख़त्म करना चाहूँगा थोड़ा रैपिड वे से यानी फास्ट से तरीके से इसको ख़त्म करना चाहूँगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन इज कॉल्ड जो हम फूड इनटेक करते हैं और उस फूड से हमने एनर्जी एब्जॉर्ब कर दी एनर्जी के अलावा जो बेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी के अंदर उसको किस प्रोसेस से आ, हम जो है वो बॉडी से थ्रू आउट करते हैं कौन सा प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रेशंस सो तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सक्रेशंस सो तो नेक्स्ट है हमारा फंजाई आर प्लांट्स दैट लेक देखो फंजाई एक प्लांट्स है जिसके पास क्या नहीं होता है लेक मतलब ऑप्शन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नन ऑफ दीज क्लोरोफिल जो है वो फंजाई के पास नहीं होता है इसीलिए इसका कलर जो है ग्रीन नहीं होता है प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है ड्यू टू प्रजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द लीव्स लीफ में क्लोरोफिल के उप, उपस्थिति के होने के कारण जो है पौधों का रंग हरा होता है पौधों के पत्तियों का कलर हरा होता है नेक्स्ट so, है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज एस्टेरॉइड कौन सा जो इनमें से फॉलोइंग हार्मोन है वो स्टीरोइड है सो एस्ट्रोजन इज ए स्टीरोयड हॉर्मोन नेक्स्ट है आपका ऑंकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑंकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर सिंपल सी बात है नेक्स्ट है आपका एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड इन जो आपकी फूड की एनर्जी है यानी भोजन की जो ऊर्जा है वो किस में मापी जाती है ऑब्वियसली कैलोरीज में मापी जाती है जिम जाने वाले बंदों को तो ये क्वेश्चन बिल्कुल टिप्स पे आ जाएगा नेम एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क ऐसे इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो मिल्क की डेंसिटी को या घनत्व को मापने के लिए यूज होता है दैट इज द लेक्टोमीटर सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपने याद रखना है लेक्टोमीटर सो नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ इंक्रीजिंग दविटेबिलिटी ऑफ द अर्थ इज टर्म ड पृथ्वी की रहने की क्षमता में वृद्धि के अध्ययन को क्या कहा जाता है या कहा जाता है डैश डिश क्या कहा जाता है इसका आंसर so, है स्टूडेंट्स जियो टेक्निक्स नेक्स्ट आया आपका नेम एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मापने के इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है ओहोमीटर oh, नेक्स्ट है आपका इन विच डिस्ट्रिक्ट क्यांग एनिमल इज फाउंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन से डिस्ट्रिक्ट पे क्यांग एनिमल पाया जाता है किन्नौर में टू वट हाइट इज द वेजिटेशन फाउंड इन हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में वनस्पति कितनी ऊंचाई तक मिलती है अप्रोक्सीमेटली फोर थाउजेंड ट्वेल्व मीटर स्टेंट्स एक और बात अगर आपको लगता है कि मैं किसी क्वेश्चंस का ऑप्शन गलत बता रहा हूँ तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं इधर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ताकि मैं आपको जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकूँ मेरा व्हाट्सएप नंबर है नाइन एट जीरो फाइव जीरो थ्री टू टू फाइव टू आप मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ताकि मैं आपको जो है उस क्वेश्चन का सही आंसर दे सकूँ सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट रिकॉर्ड इसका मैं अप्रोक्सीमेटली आंसर बता रहा हूँ कि इसका जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट है थर्टी सेवन थाउजेंड थर्टी थ्री स्क्वायर मीटर नेक्स्ट है आपका वेयर इज जुजुराना यानी वेस्टर्न ट्रेगोपान ब्रीडिंग सेंटर लोकेटेड कहाँ पाया जाता है सिंपल सी बात है कहाँ पे सरहा रामपुर में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लार्जेस्ट लेसर हिमालयन रेंज इज लार्जेस्ट लेसर हिमालयन रेंज इज क्या है पीर पंजाल है ना सबसे बड़ी कम हिमालय श्रेणी है कौन सी है पीर पंजाल लामा डल लेक इज सिचुएटेड इन बिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑब्वियसली चंबा में महामाया वाला सुंदरी मंदिर हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है ना टेंपल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश उदयपुर तिलकपुर प्रागपुर बिलासपुर यहाँ पे आराम से बता सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये तिलकपुर में सिचुएटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपका घनवी जल विद्युता है ना घनवी हाइड्रो प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है शिमला में शिमला में है ना आपका सारी फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश जो आपका सारी मेला है हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर मनाया जाता है स्टूडेंट्स ये मनाया जाता है अर्की में नेक्स्ट है आपका प्रंगला पास यानि प्रंगला दरा इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश प्रंगला धरा जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पाई जाती है जनस्कार में नेक्स्ट है द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वॉज नालागढ़ का ओल्ड नेम क्या था हिंदूर आई थिंक हिंदूर था इसका या yes, सिंदूर ही था इसका एच पी फॉर्मुलेटेड हाइड्रो पावर पॉलिसी इन विच हेयर हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष में हाइड्रो पावर पॉलिसी तैयार की थी क्या आपको ये याद है 2006 में की थी सो नेक्स्ट आया आपका विच इंडियन स्टेट इज इन द वेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में भारत का कौन सा राज्य है तो आपको ये भी पता होना चाहिए पंजाब इसके लिए आपको जो मैप अच्छे से आना चाहिए तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट आता है वोटी डायलेक्ट इज स्पोकन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वोटी बोली जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बोली जाती है लाहौल एंड स्पीति में द संस्कृत नेम ऑफ विच रिवर इज विपाशा किस नदी का संस्कृत नाम विपाशा है सतलुज रवि ब्यास यमुना ब्यास का जो है वो विपाशा संस्कृत नेम है नेक्स्ट आता है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आपका नगरहोल नेशनल पार्क लोकेटेड जो आपका नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है कर्नाटका केरला या फिर आपका आसाम या फिर तमिलनाडु ये है स्टूडेंट्स Uh, कर्नाटका में नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन विच इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लाइन जो आपका भारतीय शेर की प्राकृतिक आवास कौन सा हैबिटेट मतलब कि एक से घर जहाँ वो रहता है खाता पीता है फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है गिर फॉरेस्ट इसको आप मतलब थोड़ा बहुत इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जो कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही समझने पड़ते हैं अब लायन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो लायन का जो नेचुरल हैबिटेट की बात कर रहे हैं नेचुरल एक होता है आर्टिफिशियल जो हम बनाते हैं सेंचुरीज वगैरह एक होता है नेचुरल अब आपको पता है कि जो शेर है वो जंगल में जो रहेगा ऐसा थोड़ी नहीं कि जो नेचुरली जो है शेर घर के अंदर थोड़ी नहीं रहता जंगल में ही रहता है सो यहाँ पे दिखा था फॉरेस्ट तो आपका गी फॉरेस्ट कुछ एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आंसर दिए जाते हैं सो ये रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं ये इस पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है वट इज़ कॉल्ड फॉर ए स्कीम टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के संरक्षण और संरक्षण की योजना को क्या कहा जाता है बायोस्पेयर बायो रिजर्व और आपका बायोटेक्नोलॉजी और बायो इकोलॉजी वेरी सिंपल क्वेश्चन बायो रिजर्व देखो ये भी अगर प्रोटेक्ट करने की बात आ रही है तो मतलब कि यहाँ पे रिजर्व ये देखो यहाँ पे बिल्कुल क्वेश्चन और आंसर मिलते जुलते हैं मैं ये चीज़ उन स्टूडेंट को बता रहा हूँ जिन्होंने कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे तो उनको भी क्वेश्चंस को आंसर के साथ रिलेट करना आना चाहिए इसलिए वो बिना पढ़े भी जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ गॉट लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द कंट्री निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का सबसे बड़ा वन है अरुणाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट आता है आपका वेयर इन इंडिया डू फ्लैमिंग माइग्रेट टू नेस्ट इन लार्ज नंबर्स। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भारत में राजहंस कहाँ बड़ी संख्या में घोंसले में प्रवास करते हैं बड़ी संख्या में पूछा गया है तो आपको ये भी याद होना चाहिए क्या थार में क्या रन ऑफ कच में क्या कोस्टल एरिया में क्या हिमालयाज में ऑब्वियसली रन ऑफ कच में इसका जो है वो सही आंसर रहने वाला है नेक्स्ट आता है आपका विच इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लायन है ना भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास कौन है या कौन सा है तो देखो यहाँ पे आपका जो वो है वो क्वेश्चन है वो मिलता जुलता है है ना मतलब रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि ऐसे क्वेश्चन जो आपको है आपको रीजनिंग बेसिस सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करने होते हैं यहाँ पे अगर नेचुरल बोला गया है ऊपर से हैबिटेट बोला गया है नेचुरल हैबिटेट मतलब कि प्राकृतिक आवास जहाँ वो प्राकृतिक तरीके से रहता है कौन शेर तो इसलिए अगर शेर की बात की है और प्राकृतिक की बात की है तो हमने हमने जो फॉरेस्ट सर्च करना है फॉरेस्ट हमें यहाँ मिल रहा है हमें यह हिंट मिल गया है और और कहीं भी ऑप्शन में फॉरेस्ट नहीं दिया है इट मींस यही ऑप्शन जो यहाँ पे सही होने वाला है गिर फॉरेस्ट इन गुजरात नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर है ना सही सुमेलित युगम को पहचानिए कॉर्बेट पार्क एप्स। रन ऑफ कच के साथ गिर फर्श के साथ है राइनो और यहाँ पे काजिरंगा के साथ है एलिफेंट और यहाँ पे जो ऑप्शन डी है यही सही होने वाला है काजिरंगा एलिफेंट नेक्स्ट आता है आपका द फर्स्ट न्यूज पेपर इन इंडिया इन 1718 एटीन या 1780 एटी भारत में 1780 में प्रकाशित पहला अखबार था द बेंगोल गैजटे और कैलकटा जनरल एडवर्टाइजर या फिर इन तीन में से लग रहा है कोई आपको ये तीनों गलत है ये ऑप्शन जो है वो एब्सोल्यूटली राइट नेक्स्ट आता है आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज ऑब्जर्व ऑन विश्व रक्तदाता दिवस डैश डैश को मनाया जाता है चौदह जून चौबीस जून चौदाह नवंबर चौबीस नवंबर देखो तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी जून और नवंबर में यहाँ तो एक चीज तो फिक्स है कि फोर्टीन को होता है बट आपको कन्फ्यूजन होगी नवंबर है या जून है सो so ये कन्फ्यूजन आपने हमेशा क्लियर रखनी है दैट इज फोर्टीन जून इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट आता है आपका द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वेरी सिंपल जो यहाँ पे आंसर इसका वो है लक्षदीप नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे आ, एक पारदर्शी में उपयोग होता है यानी ए पेरिस्कोप मेक्स यूज ऑफ यहाँ पे हिंदी वाले देखिएगा और यहाँ पे इंग्लिश वाले सो so, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ ए पेरिस्कोप मेक्स यूज ऑफ थ्री स्पेरिकल मिरर्स टू स्पेरिकल मिरर्स या टू प्लेन मिरर्स या थ्री प्लेन मिरर्स यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है दो समतल दर्पण नेक्स्ट है आपका द अर्थ क्विक वेब्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल भूकंप तरंगों को किस एक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है जो भूकंप की तरंगे होती है ना ये कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड की जाती है दैट इज द आपका सेसमोग्राफ ऑप्शन डी इज द करेक्ट यानी सिस्मोग्राफ नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक वायर्स आर जनरली कोटेड विद जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती है वो किस से कोट की जाती है यानी किस से कवर की जाती है यानी विद्युत के तारों को आमतौर पर किससे लेपित लेपित मतलब कवर किया जाता है क्या वो आपका पॉलीप्राइलिन से की जाती है क्या पॉलीविनाइल क्लोराइड से या पॉली से या यहाँ पे ऑप्शन डी आप लिख लो पॉलीथीन से इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही लगता है स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू मी पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीविनाइल क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है आपका द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड एज ईंधन के कैलोरी मान की इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है किसमें व्यक्त किया जाता है किलोजूल पर ग्राम में या फिर आपका एम एम में या माइक्रोन में या साई में देखो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन किलो किलोजूल पर ग्राम में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वट इज़ द नेम ऑफ द फोर्स विद विच अर्थ पोल्स एवरीथिंग टुवर्ड वर्ड है ना उस बल का नाम क्या है जिसके द्वारा पृथ्वी सब कुछ अपनी ओर खींचती है यह क्वेश्चन तो हर एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए हर एक को पता होना चाहिए जो ये एच पी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम अटेंड कर रहा है क्या उसको वायुदेव कहा जाता है एब्सोल्युटली रोंग क्या उसको आ, थ्रस्ट कहा जाता है हिंदी में अभिप्लवन क्या उसको प्रतिरोध कहा जाता है रेजिस्टेंस कहा जाता है देखो इसका आंसर तो ग्रेविटी है ये तो हर एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ हमारे अगर हम ये मान लो पेन ही हाइट में फेंकते हैं और ये पेन जो है वो टू अर्थ गिरता है किसके कारण ग्रेविटी के कारण इसका अगर एंटीडोड है ना इसका जो एंटीडोड है वो है प्लांट के केस में प्लांट के केस में एक असेंट ऑफ सेप के नाम से मैकेनिज्म जाना जाता है जो कि मानो कि मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से दिखाता हूँ ये यहाँ पे एक प्लांट है है ना अब आपको पता है कि प्लांट में जो वाटर है ना पानी है वो नीचे से नीचे से मतलब कि सॉयल से ऊपर की ओर जाता है कॉन्टिन्यूसली और वापस जो है वो ग्रेविटी के कारण नीचे नहीं आ पाता है क्यों नहीं आ पाता है क्योंकि इस मैकेनिज्म को बोलते हैं हम एस टॉप सेप और ट्रांसप्रेशन पुल मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी इस पर जो वीडियो डिटेल में डाल दिया है अगर आप इस कंसेप्ट को जाना चाहते हैं तो आप एस टॉप सेप से या ट्रांसप्रेशन पुल से सर्च कर सकते हैं और मेरे चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं अच्छे से सो so, नेक्स्ट आता है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेब्स आर यूज बाई द कॉमन टी रिमोट कंट्रोल एक सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्न में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है लेजर रेडियो वेव्स या फिर आपका आ, अल्ट्रासोनिक वेव्स या इन्फ्रारेड वेव्स सो so, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है इंफ्रा वेव्स नेक्स्ट आता है आपका वेवर डैश डैश की इकाई है वेवर इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस है ना या फिर आपका मैग्नेटिक uh, फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या कैपेसिटेंस है ना चुंबकीय प्रभाव इसका जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट आता है आपका फेरड इज द यूनिट ऑफ फेराड इज़ द यूनिट ऑफ विद्युत चालक धीर्ता चुंबकीय प्रभाव चुंबकीय प्रभाव का घनत्व सो so जो इसका जो आंसर है वो है करेक्ट आंसर वो है कैपेसिटेंस यानी uh, धारता धारित जो भी है हिंदी में इंग्लिश में इसको कैपिस्टेंस कहा जाता है नेक्स्ट है आपका व्हाट टाइप ऑफ मोशन डू द साउंड वेव्स मूव इन वाइल ट्रेवलिंग थ्रू एयर वायु से यात्रा करते समय ध्वनि तरंगे किस प्रकार की गति करती है ऑसिलेटिंग लीनियर रेसिप्रोसेटिंग या रोटेटरी है ना तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको वो पहले ही पता लग गया होगा ध्वलनशील है ना रेखिक और प्रत्यागमी और ध्रोणी तीनों रॉन्ग आंसर है जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑसिलेटिंग नेक्स्ट आता है आपका इन अ फोटोवाल्टोइक सेल विथ टाइप ऑफ एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक फोटोवोल्टोइक सेल में किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में प्रवर्तित की जाती है यानी कन्वर्ट की जाती है किस प्रकार की एनर्जी जो है कन्वर्ट की जाती है क्या वो केमिकल है क्या वो साउंड है क्या वो मैग्नेटिक है नहीं इन तीनों को छोड़ के वो प्रकाश इसका जो है वो सही आंसर है यानी लाइट नेक्स्ट आता है आपका नेम द यूनिट इन बिच द आप कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड क्वेश्चन बता रहा है उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन के उष्मीय मान को व्यक्त किया जाता है क्या वो कैंडल है क्या वो किलोजूल है क्या वो कैलविन है क्या वो किलोग्राम है इन सब को छोड़ के आंसर सही है आपका टू किलोजूल नेक्स्ट आता है आपका डैश को उष्मा तरंगों के रूप में भी माना जाता है डैश आर ऑल्सो नोन एज हीट वेव्स हीट वेव्स जो है वो किसे माना जाता है एक्स को तो नहीं गामा रेस को भी नहीं लाइट वेव्स को भी नहीं अगर इन तीनों को नहीं तो बचा क्या इंफ्रा वेव बचा हमारे पास ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग क्वान्टिटीज हैज़ डायमेंशनल फार्मूला एम एल माइनस थ्री टी जीरो किसके पास है वेट डेंसिटी फोर्स वॉल्यूम ये है आपका डेंसिटी इससे भी ये क्वेश्चन जो है पक्का पूछा जाता है सो तो आपने ये भी ध्यान रखना है सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच एमोंग फॉलोइंग डिस्ट्रिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लीस्ट एरिया अंडर फ्रूट कल्टिवेशन लीस्ट ऐसे ऐसे बॉर्ड को आपको समझना होता है हिमाचल प्रदेश के निम्न विक, निम्नभिक्त में से किस जिले के फलों की खेती जो है वो का क्षेत्रफल सबसे कम है इसका जो ऑप्शन ए uh, है वो करेक्ट है यानी लाहौल स्पीति सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का पहला राजा था देखो यहाँ पे ऑप्शन आपको दे दिया गया है मतलब आंसर आपको यहाँ पे दे दिया गया है दैट इज अजवार, अजवार सहन है ना ये आपने बिल्कुल माइंड में बिठा के रखना है नेक्स्ट है आपका फ्रॉम बिच ऑफ द फॉलोइंग पास सतलुज एंटर हिमाचल प्रदेश निम्नलिखित में से किस दर्रे से सतलुज हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करता है है ना बारा रोहतांग या फिर आपका शिपकिला या केलोंग ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित में से कौन सी झील मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध है ओब्वियसली खजियार लेक है ना खजियार लेक जो है वो मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से प्रसिद्ध है नेक्स्ट आता है आपका द इंडस्ट्रियल एस्टेट ऑफ परवानो इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ परवानो की औद्योगिक संपदा जिले में स्थित है क्या है आपका सॉलन, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज नॉट रिलेटेड विद ब्यास रिवर निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना व्यास नदी से संबंधित नहीं है दैट इज द लार्जी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स हिमाचल प्रदेश विकमा सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी निम्नलिखित में से किस तारीख को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बना बन गया या बना दिया गया या दर्जा दिया गया वो दिया गया था आपको ट्वेंटी फिफ्थ फिफ्टीन अप्रैल देखो फिफ्टीन अप्रैल तो आपको लग रहा होगा बट यहाँ पे नाइनटीन फिफ्टी वन गलत है ऑप्शन ए जो है करेक्ट है फिफ्टीन अप्रैल नाइनटीन एट आज़ादी के एक साल बाद द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट वॉज प्रथम भारतीय सिविल सेवक कौन थे एस एन बनर्जी नेक्स्ट है आपका लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज द विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है वो है आपका गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा ये तीनों ऑप्शन कैसे है गलत है नेक्स्ट है आपका द मैक्सिमम एरिया अंडर कॉटन कल्टिवेशन इज फाउंड है ना कपास की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है किस पे या किस स्टेट पे वो है आपका गुजरात पे नेक्स्ट है आपका भोपाल गैस त्रासदी का कारण था जो भोपाल गैस में त्रासदी हुई थी यानी आपका बहुत बड़ा खतरा मंडराया था वो था मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के थ्रू विजयनगर साम्राज्य को अत्यंत किसके द्वारा बुझा दिया गया था मराठास के द्वारा बुझा दिया गया था ए मिक्सचर ऑफ सैंड क्ले एंड सिल्ट इज नोन एज देखो रेत मिट्टी और सिल्ट के मिक्सचर को क्या कहा जाता है यानी गाद सिल्ट मतलब गाद के मिश्रण को क्या कहा जाता है क्या उसको दोमट कहा जाता है यानी लॉम मिट्टी कहा जाता है या आपका चिकनी मिट्टी या फिर आपका ब्लैक कैन ऑफ दीज लॉम इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है आपका हु एमोंग बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ पंजाब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह है ना जब पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर थे अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद निम्न में से कौन सा राज्य का नया मुख्यमंत्री बने वो थे चरणजीत सिंह छत्री थे नहीं है डब्ल्यू एफ पी स्टैंड फोर क्या वो वाइल्ड फायर प्रोटेक्शन है क्या वाइल्ड फावना प्रोटेक्शन है या वाइल्ड फूड प्रोग्राम है इसका जो तो करेक्ट आंसर है वो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड निम्नलिखित में से कौन विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क काजिरंगा नेशनल पार्क काजीरंगा और खीर गंगा एंड द किश्तवार नेशनल पार्क या फिर आपका कैबुल नेशनल पार्क इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है यहाँ पे द सिस्टमेटिक सीड सर्टिफिकेशन बो स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग ईयर निमनलिखित में से किस वर्ष भारत में व्यवस्थित बीज प्रमाण शुरू किया गया था कौन से वर्ष नाइनटीन सिक्सटी नाइन पे नेक्स्ट है आपका हु रोट द बुक फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री नाइनटीन ट्वेंटी थ्री में फॉरेस्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी स्टेविंग e. ने जो है वो फॉरेस्ट ऑफ इंडिया 1923 में लिखी थी ई पी स्टेविंग नेक्स्ट है आपका अब हिंदी के क्वेश्चन है वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है क्या वो कंठ्य है तालव्य है मुर्दन है या दंत्य है इसका ऑप्शन जो है वो सी जो है बिल्कुल सही है मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा मेरा जो मीडियम है वो इंग्लिश है सो थोड़ा हिंदी पढ़ने में अगर कोई गलती हो जाए तो उसे मुझे आपको जो है वो मुझे माफ़ कर देना चाहिए पर मैं फिर भी जो है वो अच्छे से कोशिश करना चाहूँगा और अगर आपको लगता है कि मैंने जो किसी क्वेश्चन का आंसर गलत सिलेक्ट किया है तो प्लीज़ आप मुझे WhatsApp कर दीजिए या कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मैं उसको दोबारा जो है वो सर्च करके सॉल्व करने की या सही करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट है आपका वे शब्द जो लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं वे कौन से शब्द होते हैं संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अवय ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है आपका तुम ना समझ हो इसलिए मत बोलो वाक्य है क्या वो मिश्रित वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या सरल वाक्य है या अन्य वाक्य है तुम ना समझो इसलिए मत बोलो तुम्हारे में कोई समझ नहीं है तो बोलना ही नहीं चाहिए ये जो एक संयुक्त वाक्य है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है आपका राम बहुत पढ़ता है वाक्य कैसा है ये संयुक्त सरल मिश्रित और स्टूडेंट्स आपने क्या करना है ये चारों वाक्यों को जो है वो इनके अथार्थ समझना है आपने इन चारों का मीनिंग समझना है मतलब समझना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं अकॉर्डिंग टू पैटर्न सो जो राम बहुत पढ़ता है ये है आपका सरल वाक्य एड़ी चोटी का जोर लगाना ये तो हम बोलते हैं ना कि एड़ी चोटी का जोर लगाओ है ना तभी आप जो है फॉरेस्ट का एग्जाम क्रैक कर पाओगे इसका मतलब है बहुत कोशिश करना मतलब कि फॉरेस्ट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्लियर करने के लिए आपको एडी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा नेक्स्ट है आपका दिए गए शब्द के पर्यावाची शब्द का चयन करें मराल का पर्यावाची शब्द का चयन करना है हंस हस्त सलील शत्रु इसका आंसर जो है वो ए है हंस नेक्स्ट है आपका शेफ कहते हैं जो शक्ति की उपासना करता है जो शिव की उपासना करता है जो विष्णु की उपासना करता है जो किसी की उपासना नहीं करता हो शेव इज रिलेटेड टू शिव सो शेव कहते हैं जो शिव की उपासना करता है नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए आस्थिन का सांप आस्थिन का सांप क्या ये विश्वासघाती है या विश्वास पात्र है या दुखेबाज है या बेईमान है मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्प को में से चुनिए आस्तीन का साफ कौन सा सही विकल्प है विश्वासघाती बोलते हैं ना उसने तो आस्तीन का सांप दिया या आस्तीन का सांप किया यानी विश्वासघात किया मेरा विश्वास था उस पर बट उसने जो है वो विश्वास तोड़ दिया चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो है ना चाहे कोई बॉयफ्रेंड का अगर किसी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होता है तो वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं आस्तिन का सांप कि वो लड़की कैसे निकली या वो लड़का कैसे निकला विश्वासघाती निकला वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए गीतांजलि गीतांजलि गीतांजली या गीता गीतांजल जली इसका जो तो सही शब्द है वो है गीतांजलि है ना वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द ही जैसे बोलते हैं आपको इंग्लिश में की स्पेलिंग uh, वही हिंदी में आपका इस तरह से होता है इंग्लिश का नाम लिया तो इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए फिर सिंगल वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर वन हु नोज मैनी लैंग्वेज है ना सिंगल वर्ड सब्सिट्यूशन मतलब कि ऐसा मैनी लैंग्वेज उसे क्या कहा जाता है जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो उसे बोलते हैं लिंग्विस्ट है ना? नॉट लिटरेट नॉट ऑरेटर नॉट ऑमनिसेंट इट इज कॉल्ड लिंग्विस्ट सो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग है ना जैसे हमने हिंदी में अभी दो तीन क्वेश्चन पहले पढ़ा था क्वेश्चन हिंदी का वैसे यहाँ पे इंग्लिश में आया अचीवमेंट की करेक्ट स्पेलिंग स्टूडेंट्स अचीवमेंट की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है आपका ए सी एच आई ई वी ई एम ई एन टी सो आप इस स्पेलिंग से मैच कर दो कौन सी सही बैठ रही है ए सी एच ई आई नहीं बल्कि यहाँ पे आई वी सो ऑप्शन ए जो यहाँ पे करेक्ट है नेक्स्ट यहाँ पे एंटोनिम ऑफ कन्फेस इज है ना कन्फैक्स का एंटोनियम को हिंदी में क्या बोलते हैं मतलब उल्टा शब्द जो भी बोलते होंगे एंटोनिम ऑफ कन्फेंस इज कंसील है ना कंसील और कंसील में आपने कन्फ्यूज नहीं होना है कंसील स्टूडेंट्स ये चीज़ बताते हैं कि आपको एंटोनिम से भी क्वेश्चन आ सकता है स्पेलिंग से भी क्वेश्चन आता है सिनोनिम से भी क्वेश्चन आ सकता है है ना सो आपको पैटर्न समझना होता है देखो यहाँ पे सिनोनिम का नाम लिया सिनोनिम का, का ही क्वेश्चन आ गया सिनोनिम ऑफ मेगरे इज क्या है लास्ट मंथ आई विजिट द ताज मे लास्ट मंथ अगर लास्ट मंथ पास्ट की बात की जा रही है तो बर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी नॉट विजिट बोथ हैंड भी गलत है नॉन ऑफ दिश भी गलत है यहाँ पे वर्ल्ड की थर्ड फॉर्म दी गई है दट इट दट इज विजिटेड आई विजिटेड द ताजमहल लास्ट मंथ नेक्स्ट आता है आपका इट इज नॉट वर्थ डज डे सो मच मनी फॉर दिस कंसर्ट इट इज नॉट वर्थ पे सो मच मनी नो प्ले सो मच मनी नो पेइंग सो मच मनी फॉर दिस कंसर्ट इज द करेक्ट आंसर ए मैन ऑफ स्ट्रॉ ए वेरी एक्टिव पर्सन a worthy fellow a unreasonable person a man who knows substance a man who a man of no sorry a man of no substance is the correct answer we are planning dash dash out to dinner tonight we are planning dash dash out to dinner tonight वी आर प्लानिंग टू टेक आवर गेस्ट आउट टू डिनर टू नाइट बी आर प्लानिंग गेस्ट टेकिंग आउट टू डिन नाइट वी आर प्लानिंग गैस टू टेक इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये ही बैठ रहा है बी आर प्लानिंग टू टेक आवर गेस्ट आउट टू डिनर टू नाइट आई वॉज वॉचिंग ए टी वी प्रोग्राम वेन ही डैज डैश इन वैन ही वॉज वॉकिंग देखो वॉज वॉकिंग सही नहीं है ही वॉक्स भी नहीं बैठेगा ही वॉकड इन करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लास्ट नाइट आई डैश डैश ए प्रेजेंट ड्रीम कि मैंने जो है लास्ट नाइट जो है एक खूबसूरत सपना देखा तो आई हैड बीन सीन है क्या बता रहा है आई हैड सीन नो आई सो ए प्रेजेंट ड्रीम करेक्ट आंसर है यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू डैश डैश दिस बुक एट एनी कॉस्ट आई एम नॉट गोइंग टू पार्ट विद दिस बुक एट एनी कॉस्ट इज़ द करेक्ट आंसर पार्ट फोर पार्ट अप पार्ट फ्रॉम जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है अब आए कुछ एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन सोल्व कराने नहीं बैठूंगा अगर सॉल्व कराने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी जाएगी सो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर दे दिया है और किसी क्वेश्चन के यहाँ पे जो है वो आपको सोल्यूशन भी दे दिया है सो मैं आपको सोल्यूशन भी देने की यहाँ पर कोशिश करूंगा क्वेश्चन है आपका इफ़ टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स एंड एक्स वाई इक्वल टू फोर डैश देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज है ना यदि आपको टू एक्स प्लस वाई छः दिया है और एक्स वाई चार दिया है तो आपने एट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान ज्ञात करना है देखो इसका यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी दे दिया है आंसर डी इसका सही है है ना इस तरह से आपने यहाँ पे सॉल्व करना है अगर आपको समझ नहीं आता है तो मुझे आप ज़रूर जो क्वेश्चन आप व्हाट्सएप कर सकते हैं नाइन ज़ीरो फाइव जीरो थ्री टू टू फाइव टू आप मुझे मेल भी कर सकते हैं जिसको व्हाट्सएप करने में कोई इश्यू आता है वो विनोद डॉट चौहान डबल टू फाइव टू एट द रेट डॉट कॉम पर मुझे मेल कर सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ़ एक्स परसेंटेज ऑफ़ वाई इज वन फिफ्टी एंड वाई परसेंटेज ऑफ जेड इज थ्री हंड्रेड देन द रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई जेड इज द करेक्ट आंसर एट डी समझ नहीं आएगा आपने कोशिश करना सॉल्व करने की नहीं आएगा तो क्वेश्चन को मुझे ये वाट्सएप कर देना है ना ये थोड़ा रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है पहले दो वर्षों के लिए ब्याज दर तीन परसेंट था प्रति वर्ष यानी पर ईयर अगले तीन वर्षों के लिए एट परसेंट पर ईयर और पाँच वर्षों से अधिक यावधि टेन परसेंट पर एयर यदि एक व्यक्ति को छह वर्ष के लिए साधारण ब्याज के रूप में पंद्रह सौ बीस रुपए मिलते हैं तो उसने कितना धन जमा किया आंसर ए जो आओ, करेक्ट है थर्टी एट थाउजेंड रुपीज इफ ए अनुपात बी इक्वल टू थ्री अनुपात फोर फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट ओपन सेवन ए माइनस फोर बी ब्रैकेट क्लोज अनुपात ब्रैकेट ओपन एट ए प्लस फोर बी ब्रैकेट क्लोज इसका करेक्ट आंसर है ए है ना वन अनुपात एट नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्शन व्हाट वैल्यू विल गिव विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क है ना क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सी वैल्यू आएगी एट परसेंटेज ऑफ ब्रैकेट ओपन सेवनटीन थाउजेंड एट नाइन फाइव पॉइंट फाइव जीरो माइनस सिक्सटीन सेवन फोर फाइव माइनस फाइव जीरो ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू नाइन्टी इंटू टू प्लस थ्री क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हमने ये बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा आपका थ्री आपने सॉल्व करने की कोशिश करना है सेवनटीन अनुपात एटी फाइव अनुपात फोर्टी वन ये काइंड ऑफ रीजनिंग के क्वेश्चन है आंसर इसका सही है वन ज़ीरो फाइव नेक्स्ट आता है आपका बी ओ एस बी ओ एस आई वी जेड डी ओ जी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है के वी एम ये भी आपका कैसा है रीजनिंग का क्वेश्चन है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री को निम्नलिखित में प्रत्येक पक्ष में उस एक का चयन करें जो अन्य तीन कारणों से भिन्न है वो है आपका ट्राउजर्स तर, कोट शर्ट जैकेट ट्राउजर्स कोट शर्ट्स जैकेट इन तीनों से जो अलग है वो है आपका जैकेट सो so, ऑप्शन जो है वो डी आपका सही बैठता है सो स्टूडेंट्स ए था हमारा आज का मोक टेस्ट जिसपे हमने आपसे हंड्रेड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराए सो आई थिंक आपको सभी क्वेश्चन सही लगे होंगे और अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत है तो मुझे आप वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझे आप थ्री टू टू फाइव टू मेल भी कर सकते हैं विनोद डॉट चौहान डबल टू फाइव टू एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर और कमेंट बॉक्स में भी आप वो क्वेश्चन जो है वो सेंड कर सकते हैं और स्ट्रेंड्स मैं आपको जो है आज डेट है फोर्थ ऑफ नवंबर मैं आपको फोर्थ ऑफ नवंबर में दो मॉक टेस्ट दूंगा एक दे दिया एक इवनिंग में अपलोड करूँगा और एक आपको फिफ्थ नवंबर में और एक आपको सिक्स नवंबर में अपलोड कर दूंगा ताकि आपको सेवन नवंबर नवंबर से पहले पहले तीन मोक टेस्ट जो है वो सॉल्व करने को मिल सके तो आपने क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है देखो स्टूडेंट जितने मुझे व्यूज़ आएंगे लाइक आएंगे उतना ही मैं आपको मोक टेस्ट जो है वो इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगा सो तो आपने जो है वो वीडियो को शेयर करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है आइकन को प्रेस करना है और फीडबैक ज़रूर देना है सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडे थैंक यू सो मच